कंगाली में आटा गीला। जी बिल्कुल सही, ये कहावत आज कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही है। नमस्कार, मैं सचिन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने खुलासा न्यूज में। आज सुबह ही संजय निरुपम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ सही नहीं चल रहा। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि चुनाव के कुछ दिन पहले ही इतना बड़ा नेता बाहर आके कह रहा है कि पार्टी में सही नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि लोगों को सही तरीके से टिकट नहीं दिया जा रहा है। आपको ये जानकर भी मानना पड़ेगा कि जहां एक तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी बुनियादी तौर पे कांग्रेस पार्टी को दोबारा मजबूत बनाने में लगे हैं, वहीं पर उनके अंदर ही कुछ सही नहीं चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निरुपम जी ने किसी का नाम ना लेते हुए ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अब मेरी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर योग्य व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है। ये मानना होगा कि संजय निरुपम जी एक वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वहीं 2009 से लेकर 2014 तक वो सांसद भी रहे, और ऐसे बड़े नेता का बाहर आना और पार्टी के खिलाफ बोलना पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाता है। ये भी जानना होगा कि कुछ दिन पहले अगर चुनाव से पहले उन्होंने आके ये सब बोला है तो इसका नतीजा चुनाव पे ज़रूर देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सिर्फ एक पार्टी एक सीट के ऊपर बात उन्होंने कुछ अपनी उम्मीदवार रखने की बात की थी जिसे पूरी तरह से नकार दिया गया। हमें ये मानना होगा कि एक तरफ जहाँ पे कांग्रेस दोबारा उठने की कोशिश कर रही है वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर कुछ सही नहीं चल रहा। ये तो वही बात हो गई कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना कांग्रेस बुनियादी तौर पे मजबूत हो पाएगी और ना ही कभी वो सही तरीके से लड़ पाएगी। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस पार्टी को दोबारा मजबूत पार्टी बनना है तो उसे अपनी छोटी छोटी कमियों को तोड़ के आगे बड़ी पार्टी के रूप में नजर आना पड़ेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चुनाव के बाकी रेल को जानने के लिए देखते रहिए खुलासा न्यूज़।